करना पड़ेगा जिंदगी में। सफलताएं आप देखिए, हर व्यक्ति को सफलता मिल सकती है, लेकिन वो तरीके वही है सफलता प्राप्त करने का। और मैंने एक कन्फर्म, मैंने एक रिसर्च किया है, उस रिसर्च में भी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। जब मैं सोचता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने उस चीज़ का जब प्रैक्टिकल किया, रियल बता रहा हूँ, तो वो एनर्जी जो थी, एनर्जी टेस्ट करने की चीज़ है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उस एनर्जी से वो क्लॉकवाइज चलने लगी कि मैं कुछ करूंगा तो क्लॉकवाइज चल रही, और जैसे मैं करवा रहे मैं तो जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे वैसे रिदम बदल रहा है। यानी कि मैं तो नौकरी कर लूँगा, 100% मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे को, क्लॉकवाइज चलने लगी। हाय क्या करें, मेरा शरीर तो दुखते ही रहते करके आता है तो बड़ा है, उल्टी चलने लगी। तो क्या है ये आपका अवचेतन मन के अंदर जो आपकी मेमोरी शक्ति भरी हुई है, उसमें आप, उसमें जो आप पढ़िए उसे डाल दीजिए, लिंक बनाते हुए, और साथ में पॉजिटिव सोचते रहिए, हर समय पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव, वो लिंकेज आपकी सही बनी रहेगी और वो आपको ऊपर उठाएगी, लहरें आएंगी फिर आपको उठाने के लिए। लेकिन अगर आप जैसे जैसे निगेटिव सोचोगे, प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बताऊँ, मैं यहीं पढ़ा रहा था, आज से 2015 की बात है, बात आई बच्चों तुम्हीं लोगों को, तुम्हारे जैसे ही थे सब, शुरू शुरू की बात थी, आज से 8 साल पहले इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 2 महीने बाद होना था और बारह जाना था। मैंने इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करने की कोशिश की, आज वही समय फिर से चला, 2023 में मैं वही टॉपिक पे आ चुका हूँ आपके सामने। मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसे पॉजिटिवनेस एनर्जी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती जाओगे, लेकिन जितने ऊपर उठ रहे हो नेगेटिव अगर सोच लिया तो घेरोगे भी थड़ा उठे, या समझना बहुत गहरी चोट लगी, उठ नहीं पाओ। तो ये तो अंदर से निकाल दो कि हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि बिगड़ना तो आपका है ही है, कौन आपका रोक लेगा कि आपका बिगड़ेगा नहीं? क्यों? वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, देखिए कैसे बिगड़ेगा आपका। कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, वो भी प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने सोचा, मैंने बच्चों से कहा कि देखो मैं तुमको यहाँ पे 2 महीने में ही इसका प्रैक्टिकल दे देता हूँ, पौधा तैयार कर। मैंने कहा मैं कल नेट का फॉर्म भरूंगा, आया हुआ है, नेट का फॉर्म भर दिया। एजुकेशन, पहले मैं पीएचडी था, नेट का फॉर्म भर दिया। मैंने कहा आज से 2 महीने बाद परीक्षा होगी और मैं तुमको रिजल्ट दिखा दूंगा इसका प्रैक्टिकल क्या होता है। मैं तो पहले वकील था, मेरे लिए तो न्यू लाइन थी। उसके बाद भी इसी प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मैं पास होकर दिखाऊंगा। मैंने लड़के की परीक्षा दे दी और रिजल्ट देखा, बच्चों को आकर मैंने रिजल्ट दिखाया, मैं नेट पास था। तो जब मैं इतनी उम्र में आकर के भी मैं निकल सकता हूँ, तो अभी ग्रोइंग हो 100% निकल जाओगे, कोई माइक का लाभ तुमको रोक नहीं सकता। लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए। अच्छा, फिर जैसे कि जब एक कोशिका का निर्माण होता है, एक छोटी सी यूनिट बनती है, ठीक, चाहे वो इधर आप मैटर के बारे में बात कर रहा था, मैटर 3 हिस्से में बटा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, यानी कि द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस में बटा हुआ है। और ये सब चीज किससे बनी है? एलिमेंट से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। तो एटम से बनी हुई है, और ये 118 तत्व है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, जो डिस्कवर होकर के सब आए, इन्हीं से तो सारी चीजें बन गई। और प्रकृति ने क्या किया, जब एक बच्चा पैदा किया तो इन्हीं से तो क्या होगा, शुरुआत एक एक से हुई और इन्हीं सबका कॉम्बिनेशन बनता चला गया, छोटे से बड़ा होते चले गए, और जब 18-20 तक आए तो प्रौढ़ हो गए। अब वो कोशिकाएं क्या कह रही हैं, जो प्रकृति से तुमने लिया है, अभी तक लेते आए थे ना, चलो अब देना शुरू कर दो,
तो फिर आपके शरीर से वो कोशिकाएं मरने लगी, तो आपने खूब खाया पिया, कोशिकाएं मन खूब बनी रहे, प्रोटीन बनी रहे, कोशिकाओं से बनती है, लेकिन प्रकृति ले रही है वापस, और ले रही है और ले लेगी, कहेगी जिसने मैंने जो दिया है तुम्हें टोटल मैं ले लूँगा। प्रकृति ने सब ले लिया धीरे धीरे, जो तक पहुँचे, चाह के भी तुम जिंदा नहीं रह पाते हो। और फिर उसके बाद भी क्या होता है, आग लगा करके मिट्टी जो होती है वो प्रकृति में टोटल चली जाती है, टोटल बह जाती है, तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो काहे का डर, मेरे पास कुछ चला जाएगा। तुम तो वो बीज हो जो इस प्रकृति से लेकर के, और इस बीच में तुम्हें जो पाना है, उस पाने के लिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ, केवल जॉब तो बहुत छोटा सा टारगेट है, लक्ष्य वैदिक शिक्षा के हिसाब से भी, वेदकालीन शिक्षा में भी यही कहा गया है कि आपका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष से क्या होता है, आप इस आवागमन का जो सिस्टम है उसको समझ सकोगे, क्या है ये, आखिर परमात्मा के अंश क्यों है, वो चीज समझ पाओगे। तो इसके लिए तुम्हें, अगर बायोलॉजी के बच्चे हो तो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल के सारे तत्वों पर फोकस करो, पहले उन तत्वों को पकड़ो, अगर और अगर बायोलॉजी के हो तो जो सेल्स हैं, चाहे नोज की हो चाहे माउथ की हो, यानी कि सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से ही तो पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार होता है या किसी का भी बॉडी तैयार होता है। तो जो फिजिक्स है एक तरीके की, उसको केमिस्ट्री के साथ में मिला करके जिंदगी के हर पहलू को समझने की जब कोशिश करोगे, प्रकृति के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, तो नॉलेज में आप बहुत बेस्ट होते चले जाएंगे, और फिर आप आएंगे कि आपका टारगेट चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों आपके तो कह पाओगे कि इस प्रकृति के सबसे बेस्ट जो जीव है, जिस रूप में हम प्रकट हुए हैं, इस धरती पर आए हैं, बेस्ट जीव मनुष्य, क्योंकि वो बुद्धिमान माना जाता है, तो हम मनुष्य बेस्ट जीव हम हैं। और अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो गर्व से कहना हम बेस्ट जीव नहीं है। और अगर आप बेस्ट जीव हैं, इसलिए थोड़ी पैदा हुए कीड़े पकौड़े तरह आए हो चले गए, बताइए, तो अपने आप को पहचानना शुरू कर दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रकृति अब तुमसे लेना चाह रहा है वापिस, प्रेशर डालेगी, तो टेंशन 50 आएंगे, उसको छोड़ दो, ये तो होनी है, वो होनी तो होनी सबको रोक सकता है, और धीरे धीरे होनी तैयार बैठी है, एक एक करके सब होती चली जाएगी है। तो उससे पहले तुम जो कुछ करने के लिए आए हो वो जरूर करो, यही मेरी शुभकामना है, ठीक बोला।